हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल एंड तो आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है स्टेट गवर्नमेंट में परमानेंट बेसिस पे लेक्चरर्स या फिर हम पीजीटी कह सकते हैं उनके लिए वैकेंसीज आई हुई है सिक्सटीन अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में और चौदह से ज्यादा मोर देन वन वैकेंसीज आर देयर इन सिक्सटीन डिफरेंट सब्जेक्ट तो और जो सैलरी होगी वो लेवल एट होगा पे कमीशन का तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ ही इसके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा साथ ही अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो हमने डाउनलोड किया है उनकी वेबसाइट से इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज हैं उसमें हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स संस्कृत इकोनॉमिक्स सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी एजुकेशन उर्दू और कॉमर्स इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं और इसमें दो अलग अलग तरह से दिया हुआ है एक तो जो मेल ब्रांच है और एक फीमेल ब्रांच है तो ये मेल ब्रांच की वैकेंसीज हैं टोटल 991 991 वैकेंसीज हैं और सबसे ज्यादा 137 बायोलॉजी में है मैथ्स में काफी सारी वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में इंग्लिश में और जियोग्राफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी उर्दू कॉमर्स सभी सब्जेक्ट में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं सामने की तरफ आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कितनी सीट्स उसमें से कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो भी वहां पे दिया हुआ है और उसके नीचे की तरफ जब हम थोड़ा आएंगे तो वहां पे जो फीमेल ब्रांच है उसके लिए वैकेंसीज दी हुई हैं जिसमें टोटल 482 पोजीशंस हैं हिंदी के लिए 21 इंग्लिश के लिए 22 फिजिक्स के लिए 57 केमिस्ट्री में 59 मैथ्स में 137 और बाकी जो उनका जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है वो उसी के हिसाब से वहां पे दी गई है सो so, टोटल 1473 वैकेंसीज हैं और ये जो नोटिफिकेशन है, आया है ये Uh, उत्तर प्रदेश से आया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये निकाला है 22 तारीख को यानी कल ये आया है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 जनवरी तो काफी टाइम इसमें आपके पास है अप्लाई करने का और ऑनलाइन ये एप्लीकेशन है पूरे तरीके से तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं डिटेल्स सारी दी हुई है यहाँ पे कि तीन स्टेज में है एप्लीकेशन पहले आपने फॉर्म भरना है उसके बाद आपने फीस पे करनी है और थर्ड टाइम में आपने वो फॉर्म सबमिट करना है जिसमें आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह आप अपलोड करेंगे और जो फीस की डिटेल वगैरह है वो उसमें डालने की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो ये तीन स्टेज में आप एप्लीकेशन पूरा करेंगे एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप अनिजर्व कैटेगरी से हैं तो सौ और पच्चीस एक सौ पच्चीस रुपए ट्वेंटी फाइव एप्लीकेशन फीस है अगर आप एस सी से आते हैं तो आपको सिक्सटी फाइव रुपीज देने हैं अगर आप बाकी और कैटेगरी में जैसे हैंडी कैप्ट है तो आपने ट्वेंटी फाइव देने हैं सर्विस मैन के लिए सिक्सटी फाइव रुपीज आपने देना है और ये जो है वो हमने अभी अभी देखी पे स्केल जो है वो नाइनटी थ्री हंड्रेड से थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और ग्रेड पे रहेगा फोर्टी एट हंड्रेड लेवल एट ये होता है पे कमीशन का तो फोर्टी थाउजेंड प्लस सैलरी इसमें बनती है ओवरऑल जो उसकी बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी इन्होंने पे डिटेल में दी हुई हैं, हर सब्जेक्ट वाइज कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो जैसे समाज शास्त्र है भूगोल अर्थशास्त्र है इतिहास है मतलब हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सिविक्स फिजिक्स केमिस्ट्री उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए फिर बाकी जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान है उसके लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट वाइज इन्होंने डिटेल दी हुई है वो आप ध्यान से एक बार पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो इन्होंने जो है बाकी डिटेल उसकी दी हुई है कि आपने ये ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और उनका लिंक क्या है वेबसाइट कौन सी है जहाँ से ये आपने करना है तो चार पांच चीजें आपने नोट करने वाली है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है परमानेंट पोजिशन है आपके सब्जेक्ट में आप देख लें वैकेंसी है या नहीं है और फिर आपने ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं इसके एग्जामिनेशन होंगे दो राउंड तो रिटर्न एग्जाम होगा प्री और फिर मेंस और उसके बाद आपका सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो इसकी डिटेल्स भी बाकी नीचे दिए हुए हैं नीचे इन्होंने फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अलग अलग जो रिटर्न टेस्ट है उसमें क्या उसका सिलेबस रहेगा उसकी भी डिटेल दी हुई है सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है तो एक बार ध्यान से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लें डाउनलोड करने के लिए आपने यूपी जो वेबसाइट है वहां पे जाना होगा और फिर आपने जो बेसिक शिक्षा विभाग वाला है वहां पे आपने व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से uh, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे इसमें आपने इंग्लिश पीडीएफ या हिंदी पीडीएफ आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें आप वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और फिर अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और डिटेल्स भरनी होगी तो होप ये यूजफुल रहेगा आपके लिए और विल अगेन कम बैक टू यू विद वैकेंसीज थैंक्स फॉर वॉचिंग